हेलो एवरीवन, आई एम दीपक पूर्वे। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 7th ऑन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 8 रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 13। इन दिस वीडियो वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। थ्री क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड। नाउ अंडरस्टैंड अगेन इट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए क्या होता है, तो थ्री क्वांटिटीज होती है। तीन क्वांटिटी को ही हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कह सकते हैं इफ अगर द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो वह इक्वल हो जाए रेशियो बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड के। फर्स्ट का सेकेंड का साथ रेशियो और फिर सेकेंड का थर्ड के साथ रेशियो आपस में अगर इक्वल हो जाए तो वैसे थ्री क्वांटिटीज को हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। दस इफ वी हैव ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये तीन जो है क्वांटिटी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन क्या हो जाएगा, तो देन होगा फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो वह हो जाएगा प्रोपोर्शनल सेकेंड और थर्ड के। ठीक है, यानी रेशियो ऑफ, इसको ऐसे भी कह सकते थे, रेशियो ऑफ ए फर्स्ट एंड सेकेंड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। अब इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रेशियो इस रेशियो के प्रोपोर्शनल हो गया। जब दो रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होता है तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन हो जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, ए सी, प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई बी, डेट इज बी ए स्क्वायर। ठीक है, तो नोट एन इम्पोर्टेंट नोटिस दैट इज थ्री क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। थ्री क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ए सी वह क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ मीन, बीच वाले के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मीन एक। दूसरा है कि रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। नाउ लेट्स इट अंडरस्टैंड फ्रॉम सम क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ 14, 21 एंड एक्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि तीन क्वांटिटी है, एक 14 है, एक 21 है और एक x है, ये क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर है, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। वी हैव 14, 21 एंड x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन जब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम क्या लिख सकते हैं, देन वी हैव रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू रेशियो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज 21 रेशियो एक्स। दिस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 14 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, दैट मीन्स 21 मल्टीप्लाई 21 और दैट इज 21 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 21 मल्टीप्लाई 21, x को 14 से मल्टीप्लाई है तो 14 को यहाँ से हम एलिमिनेट करेंगे, इस साइड ले जाएंगे तो इस साइड मल्टीप्लाई, इस साइड साइड चेंज करने पर क्या हो जाता है, डिवाइड, तो 14 से डिवाइड हो जाएगा, 14 से डिवाइड होगा तो 14 और 21 का एलसीएम हो जाएगा 7, 7 3 जाए 7 2 जाए, यहां से कितना हुआ,
ये हो जाएगा 63/2, जो क्या वैल्यू हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ एक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 32, 16, एक्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। वी हैव 32, 16 एंड x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन रेशियो बिटवीन 32 एंड 16, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड, इज प्रोपोर्शनल और इक्वल टू। प्रोपोर्शनल लिख देते हैं, इक्वल टू भी लिख सकते थे। रेशियो बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, ये हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मीन हो जाता है, स्क्वायर ऑफ मीन। डेट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे इसलिए होता है सेकेंड मेथड, मेथड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम यहाँ क्या है, 32 और ये एक्स है, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मीन, बीच में कौन सा नंबर है, 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर मतलब होगा 16 मल्टीप्लाई 16 बाय 32। ठीक है, फिर समझते हैं, जब थ्री क्वांटिटीज क्या होगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल होगा, तो वहां पर एक फॉर्मूला हो जाती है, एक रिलेशन हो जाती है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मेन। तो एक्सट्रीम मीन्स क्या हुआ, बाहर का नंबर, तो बाहर में क्या है, लास्ट, शुरू और लास्ट बाहर का नंबर हो जाएगा, बीच वाला मेन मतलब हो गया बीच वाला नंबर, उसका स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 16 बाय 32, इसको स्क्वायर को हम इस तरह से मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख लिए। अब 16 टू जा टू से यहाँ 8, डैट मीन्स 8 जो है एक्स की वैल्यू हो गई। ये हो गया आंसर, एक तरीका। दूसरा तरीका है फ्रॉम द डेफिनेशन, इफ थ्री क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड टू इज इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू रेशियो बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, देन इट कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मेन। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 32, प्रोडक्ट ऑफ 32 और एक्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मेन 16 मल्टीप्लाई 16, यही हो जाएगा। यहां से एक्स की वैल्यू हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 16 बाय, यहां से वैल्यू हो गया 8। अगेन रिपीट और वी कॉल इट, थ्री क्वांटिटीज आर सी टू बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल इफ रेशियो बिटवीन फर्स्ट टू, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड, इज इक्वल टू और इज प्रोपोर्शनल टू रेशियो बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड एंड सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो और सेकेंड एंड थर्ड का रेशियो, अगर वो आपस में प्रोपोर्शनल हो गया, इक्वल हो गया, तो वो कंटिन्यू प्रोपोर्शनल है। अगर क्वेश्चन कंटिन्यू प्रोपोर्शनल दिया हुआ है तो फिर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, इसी कंडीशन को दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ
मीन्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मीन, स्क्वायर ऑफ मीन बीच वाला का स्क्वायर का बराबर। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो।